हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किसी की भी व्हाट्सएप स्टेटस को कैसे डाउनलोड करते हैं। हम सब हर किसी की स्टेटस देखते हैं, कई बार हमें उसकी स्टेटस बहुत ज्यादा पसंद आ जाती है। हम कोशिश करते हैं भी वो स्टेटस अपने पास आ जाए तो हम उसको मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे, प्लीज सेंड योर स्टेटस। तो कई बार तो फोन पिक नहीं करता, वो ऑनलाइन नहीं होता तो हमें वो मिस हो जाती है। मतलब जिस टाइम हमें उसकी स्टेटस की जरूरत होती है या उसकी स्टेटस हम अपने फोन में लगाना चाहते हैं तो वहां पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। तो आज की वीडियो कंप्लीट देखना, मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आप बगैर किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के अपने ही फोन की कुछ सेटिंग करके उसकी स्टेटस ऑटोमेटिकली अपने फोन में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे उसको यूज कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी वीडियो बनी हुई है जो बताते हैं सर ऐसा आप जीवी व्हाट्सएप यूज करो, आप ये एप्लीकेशन यूज करो। मैं कभी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का रिकमेंड नहीं करता हूँ क्योंकि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन वैसे ही आपके लिए हानिकारक होती है, आपका डाटा सिक्योर नहीं रहता। चलो फ्रेंड चलते हैं मतलब कि मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर, साथ में मैं अपना मोबाइल ले लेता हूँ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपके साथ सामने शेयर करता हूँ जिसमें मैं आपको दिखाने वाला हूँ आपने क्या चीज ऑन करना है क्या चीज ऑफ करनी है। ठीक है, मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर ली, मैं साथ में दिखाता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है फ्रेंड, सबसे पहले आपने अपने फाइल मैनेजर पे जाना है। जैसे फ्रेंड मैं अपने फाइल मैनेजर पे चला गया हूँ, फाइल मैनेजर जाने के बाद जहाँ थ्री लाइन आती है, थ्री लाइन पे हमने ओके कर देना है। थ्री लाइन पे जैसे ओके करेंगे तो सबसे नीचे आपको दिखाई दे रहा है सेटिंग का ऑप्शन। जैसे फ्रेंड हम सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और जहाँ पे शो हिडन फाइल, ये बाय डिफॉल्ट ऑफ रहती है, इसको आपने ऑन कर देना है। जहां से फ्रेंड मैं ऑन कर लेता हूँ, अगर आपके फोन में आपके फाइल मैनेजर में ये ऑप्शन नहीं आता तो इसका एक सेकंड ट्रिक है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। आपने क्या करना है, आपने प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे आपने जैसे ही एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, फाइल बाय गूगल, ये गूगल का प्रोडक्ट है जिसके साथ गूगल की ऐप है जो आपके लिए सिक्योर है, कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन नहीं है। इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए, मैंने इंस्टॉल करके इसको जैसे हम ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद वो साइड बाई थ्री लाइन पे जाते हैं तो जहाँ सेकंड नंबर पे सेटिंग का ऑप्शन आता है, जहाँ पे अगर हम थोड़ा सा डाउन करेंगे तो शो हिडन फाइल है जहाँ से हमने इसको ऑन कर देना है। इतना काम ऑन हो जब हो जाएगा उसके बाद आपने क्या करना है, जहाँ पे मैं आपको अपने व्हाट्सएप खोलता हूँ, व्हाट्सएप खोलने के बाद जहाँ पे मैं एक स्टेटस को देख लेता हूँ उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ ये स्टेटस हमारे फोन में कहाँ सेव होती है। ठीक है फ्रेंड, फिर मैं दोबारा चलता हूँ फाइल मैनेजर पे। फाइल मैनेजर पे जाने के बाद मैं अपने जो डॉक्यूमेंट है वहां पे चला जाता हूँ। अगर हम थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे व्हाट्सएप का एक ऑप्शन दिया गया होता है, हम व्हाट्सएप पे ओके करेंगे। जैसे फ्रेंड अपने व्हाट्सएप पे ओके करते हैं तो सबसे नीचे आप देख सकते हो एक मीडिया का ऑप्शन आता है। मीडिया के ऑप्शन पे जब हम क्लिक करेंगे तो सबसे इसमें आप देख सकते हो, मैं आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ सेकंड नंबर पे स्टेटस नाम का एक ऑप्शन आ रहा है। इसमें जो भी हमने अपने स्टेटस, किसी की भी स्टेटस देखी है, वीडियो देखी है, फोटो देखी है, वो ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप क्या करता है अपने इस फाइल में सेव करता रहता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो हमने ये देखा था वो कहाँ है फाइल, जो मैं देखो आपको पूरे स्टेटस दिखा देता हूँ मैंने क्या क्या कौन कौन से फाइल देखे, मतलब स्टेटस देखे है। ये देखो मैं पूरे यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ये भाई फाइल में स्टेट्स देखे हुए हैं जो पूरे के पूरे, जहाँ पे ये देखो ये स्टेट्स आपके सामने रिसेंट लाइव दिखाया था, ये स्टेट्स आ गए। जो भी हम स्टेटस या वीडियो देखते हैं वो जहाँ पे सेव होती रहती है, जहाँ से आप जैसे मर्जी जाओ उसको सेव कर सकते हो अपनी गैलरी में, आपकी गैलरी में ही है जहाँ से आप उसको यूज कर सकते हो, है ना फ्रेंड। बड़ी कमाल की ट्रिक, उम्मीद करना फ्रेंड आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है। पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि मेरे चैनल पे हमेशा रियल और जेन्युइन वीडियो रहती है जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होती है, मतलब कि आपकी सपोर्ट के लिए होती है। थैंक यू फ्रेंड।